मेकअप बहुत घटिया है, धोखा है, प्यार मत नहीं रखना, प्यार पे ट्रस्ट नहीं रखना, प्यार नहीं है। हाँ अच्छा था, प्यार मत करो बस। अच्छा था, अच्छा था मूवी, अच्छा था। हाँ अच्छा था मूवी। अभी मैं वो कुछ और नहीं कह रहा, लगता है ये पिक्चर हिट है। हाँ हिट थी यार, नहीं वो अच्छा था। फिल्म की स्टोरी कैसे देखी यार? अरे क्या, अरे अच्छी थी मूवी, बोल अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। पिक्चर हिट है। हाँ हिट है, लेकिन बहुत रोना होना बहुत है उसमें, फालतू। कितने? 10 में से ना 5 में से 4। मैं थी क्या है सर? अच्छी सर, बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी सर। 5/5। हाँ सर, लास्ट का एंडिंग का गाना था, मस्त लगा। हाँ मस्त था, तड़प बवाल। हाँ मेकअप बहुत घटिया है, मेकअप बहुत घटिया, सब सही थे। प्यार नहीं करने का इंदा, प्यार नहीं करने का, प्यार नहीं करने का, धोखे में नहीं पड़ने का। हाँ धोखे में नहीं पड़ने का। फुल स्टार फाइव, ठीक नॉर्मल था। थ्री स्टार। आहान सेट्टी, हाँ ठीक है, अच्छा ही था। प्यार मत करो, प्यार मत करो बस। अच्छी है मूवी, सही है, बढ़िया, उनकी एक्टिंग सही है। धोखा है, प्यार मत नहीं रखना, प्यार पे ट्रस्ट नहीं रखना, प्यार नहीं है। अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छा सही है मूवी, ज्यादा पता जो भी है। हाँ पहली मूवी अच्छी है, मतलब एक्टिंग उनकी तो सही है, लेकिन कहानी में इतना दम नहीं है, वो पहले जैसे ही वही है। तारा सुतारिया देखने में जैसी है, लेकिन उसने एक्टिंग जो की वो एकदम, गाना है ना बी पार्क का, डीनो जेम्स का सॉन्ग अच्छा है वो, इश्क ना हो इश्क ना। डायरेक्शन के बारे में कुछ कहेंगे आप, डायरेक्शन कितना आपको बांध के रखता है, कितना मजबूत रखता है? वही लव स्टोरी, मतलब आयन सिटी ने तो लव स्टोरी अच्छी मूवी, तो वही लास्ट में और वो हो गया उसका। 3 स्टार दूंगा मैं इसमें। नाम लव स्टोरी है, लेकिन एक्चुअली लव स्टोरी नहीं है उसके, स्टोरी में कुछ दम नहीं है, और गाने सिर्फ अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, और मशरू के लोकेशंस अच्छे हैं। आहान सेट्टी का डेब्यू है, तो आपको लगता है कि अच्छा किया है बहुत? उसने उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली सेंसर बोर्ड क्यों ऐसी पिक्चर अलाउ कर, समझ में नहीं आता। वायलेंस तारा सुतारी हीरोइन है, लेकिन उसने विलन का रोल किया हुआ है। विलन का रोल किया पूरा। हाँ। और डायरेक्शन कितना बांध के रखता है आप? डायरेक्शन जीरो है, जीरो कुछ है। नहीं है। अच्छा। नहीं चलेगी पिक्चर है। कितने स्टार देंगे 5 में से आप? 2। ठीक है, ज़्यादा इतनी स्टोरी लाइन में नहीं है, आई डोंट थिंक सो, आई एम एक्सपेक्टिंग थी मेरी, लेकिन फिलहाल इतनी स्टोरी नहीं है। बस सेकेंड हाफ थोड़ा अच्छा लगता है, वो भी आहान के वजह से, आहान शेट्टी है तो उसकी एक्टिंग में काफ़ी अच्छी है, बस बाकी फिल्म में इतना कोई नया नहीं, वही पुरानी स्टोरी है। तो उसका डेब्यू है, तो आपको लगता है अच्छा? नहीं उसने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, उस पूरी मूवी उसी के ऊपर है, और ठीक है, मेहनत करा है लड़के ने, अभी फर्स्ट है, पहली मूवी है, डेब्यूटेंट है, तो एक्सपेक्टिंग इंसान अभी, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बट ठीक है, स्टोरी वही पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा नयापन है। तारा सुतारिया के बारे में क्या? वो तो आपको क्लाइमेक्स में मालूम पड़ेगा, जब पीपल आर गोइंग टू सी, क्लाइमेक्स में समझेगा कि तारा सुतारिया क्या, पूरे मैं खोलूँ मैं बताऊँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को जाके देखना चाहिए। गाना पसंद आया आपको? वही जो गाना गा रहा है, प्यार किया। कितने स्टार देंगे? 5। फिलहाल तो मूवी में मैं पूरा एक्सपेक्टिंग नहीं थी, फिर भी मैं 3 दूंगा उसको। सुपर सुपर नेक्स्ट सुपर स्टार सब। हाँ ऐसा लग रहा है कि उनका डेब्यू नहीं है, वो पहले भी कर चुके हैं, ऐसा लगने रहा है कि पहली मूवी तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा ओवरऑल अच्छा है, कास्टिंग एंड ऑल, सॉन्ग म्यूजिक खासकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड जो उसका जो नेक्स्ट इंटरवल के बाद जो टर्न हुआ है ना, सुपर है, सस्पेंस है, सबको देखनी चाहिए।
बहुत अच्छा, 5 में से 5 5.5। देखिए आपने मूवी जी तड़प कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है। आहान शेट्टी का जो कैरेक्टर है उनका, जो उन्होंने एक्टिंग किया सुपर तरीके से, अपने उन्होंने काम किया इस मूवी में। आपको लगता है कि आहान शेट्टी का ये डेब्यू है बहुत ही अच्छा कर पाए? बहुत अच्छे से किया उन्होंने, उनकी मूवी है, डेब्यू मूवी है। उन्होंने जो रोल को प्ले किया बहुत अच्छे से प्ले किया है, और बोले तो इनका तारा सुतारिया, उन्होंने भी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी निभाई है। सुपर मूवी बोल सकते हैं, मतलब कि डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, स्क्रीन प्ले वगैरह सब मजबूत है, आपको बैठा के रखेगी। सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं कि आप कोई भी सॉन्ग को अच्छी तरह से फील कर पाओगे। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और उनका जो काम है बहुत अच्छी है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग इस मूवी को देखो, प्यार दो मूवी को, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मूवी को बनाया गया। डायरेक्शन कितना बांध के रखा है? बहुत डायरेक्शन, फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो बहुत कड़क डायरेक्शन है, और सेकेंड हाफ तो माइंड ब्लोइंग है, सुपर मूवी को मैं 3 स्टार दूंगा। आपने देखी ब्रदर, कैसी लगी? ठीक है फिलहाल। आयान शेट्टी का काफ़ी अच्छा रोल लगा, नेगेटिव रोल जो तारा सुधारा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने लायक था, नेगेटिव इम्पैक्ट वो रोल मूवी को स्पाइन कॉर्ड के तौर पर होल्ड कर रहा है। और जो शुक्ला जी है जो उनके डैडी का जो रोल किया, डैडी बन गए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से रोल किया। ओवरऑल मतलब काफ़ी मूवी अच्छा है, एक्साइटिंग है, इसमें दिखाया इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी, यार ऐसा भी लाइफ में होता है लाइक पहली बार। आयान शेट्टी का जो है जो एंट्रेंस है ना, जो जिसमें दिखाया तड़पता हुआ आशिक कैसा, उसका एक्टिंग स्किल, ओवरऑल होमवर्क उसके ऊपर काफ़ी अच्छा उसने किया है, किस तरीके से एक तड़पता भड़कता आशिक कैसा हो जो तड़पता, आंसर मैं कहा ना उन्होंने जो नेगेटिव रोल किया है काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, बहुत बेहतरीन किया। जो एक्सपेक्टेशन था जो नेगेटिव रोल वो कर सकती है, जैसा गुप्त पिक्चर ने कैसे काजोल ने किया था गुप्त पिक्चर में, सेम वैसे ही डायरेक्शन काफ़ी अच्छा बांध के रखा। नहीं नहीं बोरिंग तो मूवी में कुछ नहीं है, आप फर्स्ट हाफ देखने जाएंगे तो काफ़ी रोमांटिक है, लव स्टोरी दिखाया दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जो पैशनेट लव स्टोरी दिखाया। फिर सेकेंड हाफ आप एक्साइटमेंट में बैठे, ऑल ऑफ अ सडन शॉक हो जाते हैं कि जो पता करने का गाना मोहब्बत में ज़्यादा तुमसे प्यार किया, काफ़ी अच्छा गाना है। 5 में से 3.5 दूंगा, काफ़ी बेहतरीन है, यू विल एंजॉय द मूवी, हैज़ अ डेब्यू, इट्स रियली गुड मूवी है। मेरे को भी पकड़ेंगे पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी है और बहुत ये मिलेगा अच्छा इसको रिस्पॉन्स, और अच्छी तरह से चलेगी भी अच्छी, और अच्छा भी लगा पिक्चर। आहान शेट्टी का डेब्यू है, सुनील शेट्टी से थोड़े ये लगे, फिर भी बहुत ही अच्छा काम किया है, वो सबको पसंद आएगा। आज के डेट में लड़के ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे पिक्चर में ये किया है। तारा सुतारिया के बारे में काम अच्छा किया, तारा सुतारिया लास्ट लग काम भी अच्छा किया है, और अच्छा भी है। आज के लड़के लोगों को जो नॉलेज बोलना चाहिए आज के डेट में, वो बहुत अच्छा समझ में आया लड़के लोगों को कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत, ये समझना चाहिए। मैंने इसमें दिखाया है ये सब। कोई गाना पसंद आया? हाँ, तुमसे भी ज़्यादा प्यार किया बहुत गाना पसंद आया, सबको भी पसंद आएगा ये गाना। कितने स्टार देंगे आप? 5 दूंगी। हाँ, कैसी लगी फिल्म तड़प आपको? मुझे तड़प देख के बहुत तड़प होने लगी। अच्छा? और पहला हाफ थोड़ा स्लो पेस्ड है, इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन मूवी, मैंने साउथ इंडियन मूवी नहीं देखी, बट फर्स्ट हाफ में बहुत ही पॉलिटिक्स वगैरह, बहुत ही रैंडम सीन्स दिखाए हैं जो अवॉइड किए जा सकते थे, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ही एंगेजिंग है और बहुत ही थ्रिलिंग है, और आहान शेट्टी का बहुत ही इंटेंस रोल है, तो सेकेंड हाफ देख के बहुत मज़ा आया और फिर पैसा वसूल हो गया। आहान शेट्टी का डेब्यू है, आपको क्या लगता है? आई थिंक बहुत कमाल किया, आई थिंक वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं सबसे पहले, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही टैलेंटेड है, और उनकी बहुत ही अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, तो पहले आई एम श्योर ही कैन इम्प्रोवाइज इन द फ्यूचर, बट कंसिडरिंग हिज फर्स्ट मूवी आई डोंट थिंक वी शुड जज हिम। तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, जो भी अपने निभाया बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और जो सेकेंड हाफ में वो जो ग्रिपिंग रोल उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो कैरेक्टर जो है, और उनमें वही वो एक्शन हीरो वाली यू नो इमेज आ गई, सुनील शेट्टी की रिजेंबलेंस आ गई, वो ग्लिम्सेस सुनील शेट्टी की देखने को मिले। सो आई थिंक ही इज़ द शो स्टीलर, तारा सुतारिया एक तरफ, पूरी शेट्टी, इट बिलोंग्स टू आहान शेट्टी पूरी मूवी। तारा सुतारिया के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत ही एंडियरिंग है, बहुत ही करिज्मेटिक हैं, और शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बट यहाँ पे द शो स्टीलर इज़ आहान शेट्टी, आई थिंक ही स्टील्स द शो। गाना पसंद आया? मुझे एक गाना है, मोहब्बत की हर हद पार किया रे, तुमसे ही ज़्यादा तुमसे प्यार किया, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी सब गाने मुझे एवरेज लगे, लेकिन ये गाना मेरे जहन में बैठ गया। डायरेक्शन की
डायरेक्शन अच्छा था लेकिन एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था. आई थिंक ऑडियंस डजंट हैव द पेशेंस टू सिट फॉर मोर देन टू आवर्स. तो ये सब डायरेक्टर्स को मेरी अपील है कि दो घंटे से ज़्यादा की मूवी मत बनाइए. और अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा क्लिप कर देते सेकेंड हाफ तो मुझे ठीक लगा. तो सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन अच्छा है बट एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था. फिर आहान शेट्टी को 4 stars बट ओवरऑल मूवी को 3 stars बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ इज़ वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू.